हम सोच रहे थे कि बढ़िया तरीके से घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है, पर एक आदमी हमारे साथ जिसने गाड़ी में भी क्रिकेट का मैच चला लिया है। कहाँ पे प्लेस है कैमरा नहीं फोन? पाकिस्तान को हारता हुआ देखना चाहते हैं। काफी अच्छे मन से इन्होंने प्रार्थना की है अभी कि पाकिस्तान का फलाना हो जाए, टिकड़ा हो जाए। और मन्नु भैया को आप शायद नहीं जानते, थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। कौन जानता है अनिल भैया को? रवि के ब्लॉग में सभी देख चुके हैं क्योंकि मेरे चैनल वाले मेरे चैनल में भी देख चुके हैं। मेरे भी ये भी ठीक है बात। मैं नहीं गया था ना, मैं नहीं गया था, मेरे लिए कोई रुका ही नहीं, मैं कैसे जाऊं? तू आया ही नहीं तो कैसे आएगा? ये बात भी ठीक है, चलो मेरी गलती। फर्स्ट ब्रेक ले लिया अपने तो देखो सजनो, तू बोल ले। अरे बोल ले, और तो अपने पास क्या ही है करने को रस्ते में। हाँ जी, मैं तो क्या है कि टाइम की वैल्यू बहुत जानता हूँ, पर मेरे साथ के कुछ लोग जो है समय की वैल्यू नहीं जानते, रस्ते में रुक गए हैं। ब्रेक जलेबी के लिए ब्रेक मार लिया, बताओ यार। हर बार आके खाओ जब भी जाओगे ना। तो भाई मेरा फर्स्ट टाइम है जलेबियाँ खाने का, देख लेते हैं कैसी है। बाकी तो कुछ खास उम्मीद है नहीं मेरे को। और भैया वो परोठे वाला भी बढ़िया ना। कौन से परोठे वाला? वो कुरुक्षेत्र गेट वाला। भाई साहब मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, जलेबी का मेरे को पता नहीं, ले मेरा भी शूट कर। अभी भाई साहब जो है मेरे को ना एक बार थोड़ा सा बना के गाइड कर रहे हैं, देखते हैं बना पाते नहीं। बाकी इसको आप जोर से पकड़ना कि ये ऊपर से ना निकले, और इसको ऐसे प्रेस करना है बिल्कुल ताकत लगा के, ये ऊपर की तरफ से हम बंद करेंगे और नीचे की तरफ खुला रखेंगे ताकि वो नीचे मैदा गिरे। है ओके, ऐसे प्रेस करना है। लो जोर लगाओ सर, जोर लगाओ। वाओ ब्यूटीफुल, वाह, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। नहीं बनी बनी बना क्या? अरे ठीक है सर जी, पहली बार का लेंगे तू। पहली बार एक्सपेंसिव जलेबी बना दी मैंने, देख रहे हो भाई? कोई बताना कमेंट में नहीं बनी भाई। देख भाई ये होती है प्रोफेशनल्स की और ये होती है नूब्स की, ठीक है? तो बस इतना ही है और तो कुछ खास है नहीं। बाकी मैं कुछ दिखाऊंगा जो अपना देखो भी ऐसा है। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ओवर ईटिंग और जंक ईटिंग ज्यादा हो रही है। प्रिया अभी जलेबी खा ली, उससे पहले रास्ते में चाय वाई खाई पी थी तो थोड़ा खाना पीना ज़्यादा हो गया था। अभी भी जलेबी बची हुई है अपने पास और अभी मन्नू भैया और फ्राइज़ वगैरह पैक करवा कर आ रहे, तो मीठे के बाद नमकीन भी ज़रूरी है और नमकीन के बाद मीठा भी ज़रूरी है। तो पता नहीं कुछ क्यों खा रहे हैं हम इतना। बाकी तो ये रवि दादा बैठे अपने और हरिद्वार जाके आज दर्शन होंगे। दर्शन किसके करने? रूम के दर्शन, रूम के ही करने हैं। रूम के दर्शन करेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। बाकी मेरे को कुछ पता नहीं है, कोई आइटिनरी नहीं बनाई है अपने, अपना ऐसे ही है, सेट ही नहीं है अपना, नहीं है अपन, बदल गए हैं आप, पहले वाले नहीं रहे अब। तो जलेबी खाओ, पेट बढ़ाओ, मजा नहीं लाइफ। बाकी आपने कई लोगों ने फील भी किया होगा कि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा आजकल डाइटिंग पे हूं, पर दो दिन मैंने रेस्ट दे दिया डाइटिंग को। ओके, क्या बोलोगे आप? नथिंग, आई हैव नो वर्ड्स टू अबाउट इट। तो आप कुछ मोटे हो, आप नहीं बोल पाओगे, बोल कैसे दो आप? फिट है जी हम, चल फिर छाते को लगा डाला। मैं अभी हूं तो मैं भी फिट ही हूं फिर। ओके, जलेबी मस्त है। बाकी ऐसी ऐसी बातें होती रहेगी इस सफर पर और छोटी छोटी बातें, क्योंकि काफी साल के मिले, एक बार फिर एक फ्रेम में आ रहे हैं और फिर दोबारा एक स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहेगी, बकवास भी चलती रहेगी। मेरे को पता है कुछ सारे सीन होते हैं जो नहीं अच्छे लगते, बट बाकी आपको एक बात और भी पता ही है कि
मैं इस लोग को शायद ही डालूंगा। हाँ ये बहुत सारी दो तीन ट्रिप ऐसी हो चुके भाई, शिमला वगैरह जो जो उसमें के व्लॉग शूट करूंगा तो वहाँ भी उसने कुछ नहीं डाला, और जयपुर भी जब हम गए थे तो वो वाले व्लॉग भी आपने नहीं देखे होंगे। वो और भी बहुत कुछ, मतलब चंडीगढ़ में रहा हूँ मैं, बहुत सी जगह गया हूँ। बाकी यहाँ की हरियाली आपको पता ही है, मम्मी ब्लॉग देखती है। आ तो भाई देवी और सज्जनों फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकेश तपवन, और लोगों ने यहाँ पे जैकेट पहन रखी है, फील नहीं हो रही है अपा सॉलिड बॉडी। ये बंदा भी, ये तो खैर मोटी कमेटी का है टॉर्च का चाय। और भैया ये जो हाई एल्टीट्यूड के कारण मेरे को जो सर में दर्द हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कच्चे नींबू हो, कच्चा नींबू आओगे पकोगे तभी बात है। ओके ओके आए, ये दिनों फुल रिलैक्स मोड में है, बट अपने को ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। मैं पहले बहुत कह रहा था कि अपर की कोई जरूरत नहीं है, बट अब लग रहा है कि हाँ जरूरत है। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है भाई, पता नहीं बारिश हुई है नहीं हुई यहाँ पे, बट ठंड है, काफ़ी ठंड है। अब लग रहा है कि अपर की ज़रूरत है, आप एक जगह पर चाय पियेंगे उसके बाद में फिर अपर चाहिए गाड़ी के पास जाके। और ठंड से मेरे ऐसा मुंह बंद हो रहा है, ठंड तो है। तो बात ऐसे कि भाई ये बाइक गाड़ी से उतरा योगेश अपना, तो बोला ठंड नहीं लग रही, बट अभी मैंने बोला था ठंड है बट मेरे को नहीं लग रही, अभी मेरे को बहुत कुछ लग रही है। कुछ नहीं बोल रहा मैं, बहुत परेशान हूँ जिंदगी से, नहीं चाहे सुता बाप से इधर ही आ गया ना वो, जहाँ से पीछा छुड़वाया वहीं पे आ गया, दुखी क्यों हो? कह रहा हूँ जहाँ से पीछा छुड़ा गया वहीं आ गया वो। फोन कितनी देर में ले रहे हैं अपन? ये आप कुछ वैसे डालने वाले हैं क्या? हाँ धन्यवाद जी, रूम लेने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? चाय नहीं आई, रूम कहाँ से आएगा? ये मैं बताऊँ पूरे रस्ते मेरे को रोस्ट करते हुए हैं पूरे रस्ते, और मैं भी स्वाद दूँ, मैं खुद रोस्ट कर रहा हूँ भाई मेरे को बैठ के। वो रोस्ट नहीं था, तेरी बात ही रोस्ट थी। एक ये छोटा सा रूम लिया है देख लो, मैं यहाँ पे एक इंसान लेटा हुआ है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप पूर्ण रूप से अगर आप चाहो तो, छोटा सा ये बाथरूम है। और मनु भैया और अभी अनिल भैया गए हैं गाड़ी लेने, और उसके अंदर से मेरे को चाहिए जैकेट, फिर हम खा गए खाना क्योंकि भूख भी लगती है मेरे को। और मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे कि हिमाचल की ठंड, हरियाणा की ठंड और उत्तराखंड की ठंड में भी फ़र्क है। देखा कितनी डेप्थ से देखता हूँ मैं चीज़ों को। खैर अपना तो ऐसे ही है, आप स्वाद वाद लेते रहो बालक। तो अभी कुछ नहीं, खाना खाने आए हैं और अनिल भैया ये मनु भैया और वेज बिरयानी, और तपवन को मिनी गोवा भी बोला जाता है उत्तराखंड का। सो खाना डिसेंट है, ठीक है, सब कुछ कोई कमी नहीं है खाने में। और जिस जगह पे बैठे हैं मेरे को लोकेशन का नाम वाम नहीं पता, काफ़ी फॉरनर्स भी बैठे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली वही अपने बस यही हरिद्वार और ऋषिकेश यही देखने आते हैं। और कुछ नहीं चल रहा, बस अभी यही चल रहा है मन में कि खाना कितना ज़रूरी है आदमी को जीवन में, और आदमी क्या ही करता है खाना खाने के लिए और अपने फैमिली का पेट भरने के लिए। गहराई से सोच रहा था मैं, अभी बिल्कुल अकेला बैठा था, अभी आए हैं लोग। कितना संस्कारी बच्चा हूँ मैं, टाइम से पहले फारिग हो जाता हूँ। और ये आवाज़ आदि हमने टेबल पर, पेट तो नहीं भरा ना मज़ा आया, फिर भी आप बोलेंगे इट्स ओके, क्योंकि मैंने आज कल रात का खाना थोड़ा कट कर रखा है बिकॉज मेरी टमी बाहर आ रही है। तो टमी को देख के मम्मी ने बोला है कि इसको कम कर ले कुत्ते, सो मैं कम कर रहा हूँ उसको क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया हूँ मैं। अब मेरा वेट था जब मैं चंडीगढ़ मूव किया था, मेरा वेट था उस टाइम पे 65 समथिंग, और नहीं 65 नहीं 59 समथिंग, और अभी हाल फिलहाल मेरा वेट है 73 के करीब, और मेरी हाइट है 5'8" और 9" के बीच में।
सो मेरी बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है हाइट के हिसाब से, वैसे इतना होना चाहिए बट वो मसल वेट नहीं है, वो चबी चबी थोड़ा सा, तो मैं अभी कम कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में शायद आपको कोई एक आधा ऐसा व्लॉग भी दिख जाए जिसके अंदर मैं आपको वर्कआउट करता दिख जाऊँ। बाकी मुझे कुछ लोगों से पता चला कि मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ, थैंक यू सो मच उन लोगों को, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी आपका। हाँ ओके, तो अभी रास्ते में देखेंगे कुछ और खाएंगे या नहीं खाएंगे। और मेरा तो मन है कि रूम पे जाके आराम से आनंद लिया जाए, निद्रा का निद्रा अवस्था में जाया जाए। और पता नहीं आज मैंने कुछ खास बोला ऐसे शूट वूट किया नहीं है, काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ और मेरे को कुछ किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं होता कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है नहीं किया तो नहीं किया, इंजॉय किया ना बस, जीवन में इंजॉय करना ज़रूरी है, जीवन में इंजॉय करते रहो, आप कर रहे हैं